ये रही उसकी बिल वगैरह, अभी मैं आपका आपको इसका रेट वगैरह सब बताऊंगा कि ये प्राइस कितने की पड़ी, कितना छूट क्या मिला। ये देखिए बढ़िया, ये भाई प्रयागराज का बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, सिविल लाइन सुभाष चौराहे पे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने यहाँ से ऑर्डर करके मंगाया है ऑनलाइन। ये देखिए द बेकिंग कंपनी लिखा हुआ है, लेकिन मशहूर क्या है, ये बाई एल चिको सिंस 1964। दोस्तों प्रयागराज का बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है ये एल चिको, काफ़ी पुराना है, अब तो उनकी नई बिल्डिंग बन गई सिविल लाइन में शीशे की पूरी, मैंने देखा था। तो उसका नाम इन्होंने रखा है वेजी वेज, उस पूरी बिल्डिंग का नाम ही वेजी वेज है। और उन्होंने भाई एक जो है वेज थाली निकाली है, एक ही थाली है, नॉनवेज थाली नहीं निकाली है, वेज थाली निकाली है, और उस थाली का नाम है थाली वेजी वेज। जिस नाम से सेक्शन बनाया है उसी नाम से इन्होंने दिया है थाली वेजी वेज। ये रही उसकी बिल वगैरह, अभी मैं आपका आपको इसका रेट वगैरह सब बताऊंगा कि ये प्राइस कितने की पड़ी, कितना छूट क्या मिला। तो चलिए अब इसकी जो है अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये खुल गया, अब देखते हैं इसकी पैकिंग में क्या है, कैसे है। इन्होंने भाई ऑनलाइन लिखा नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है, बस थाली वेजी वेज करके लिखा हुआ है। ये देखिए बढ़िया, ये वेजी वेज ईट ग्रीन, और ये क्या लिखा, एंड विथ ग्रीन एंड लाइव एंड लाइव ग्रीन, मैं उल्टी तरफ से देख रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए ठीक है, अब इसे खोल के देखते हैं कि भाई एल चिको है, बहुत ही फेमस। दोस्तों जो प्रयागराज में रह के एल चिको नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता है, जितने भी लोग हैं ज्यादातर मैक्सिमम सबको पता होगा एल चिको। पैकिंग तो बहुत बढ़िया, ये इसको कर देते हैं बगल, चम्मच वगैरह कुकर वगैरह है पोषण वगैरह के, इसको बगल कर देता हूँ पहले। ये पशु लगा रखा है इन्होंने टेपिंग ना, सभी तरीके से टेपिंग हुई है। ये देखिए अब जो है इसे खोल के देखते हैं क्या है, ये इसे हटा देते हैं, सबसे पहले इसको निकालें, देखें क्या है ये। लच्छा पराठा है जाइए, हाँ। ये देखिए लच्छा पराठा इन्होंने दिया है, और ये है अचार, इसे भी खोल लेते हैं। अचार तो सभी के साथ मिलता ही है, मिक्स अचार है ये, मिक्स अचार। दोस्तों अब चूंकि इन्होंने भाई मेन्यू में दिया नहीं है, लेकिन देखकर ये लग रहा है ये पनीर बटर मसाला, हाँ। ये पनीर बटर मसाला ही है दोस्तों, ये देखिए ये ठीक है, कलर वगैरह देखो तो अच्छा लग रहा है। और ये है दाल मखनी, गाढ़ी बढ़िया शो हो रही है। और ये रहा मिक्स वेज, मिक्स वेज। और ये सलाद में जो है गाजर है, नींबू है और खीरा है, तीन आइटम ये है। और ये रहा बूंदी का रायता, ये भी दिखने में सही लग रहा है, ये मुझे वेज पुलाव टाइप का लग रहा है इसमें, क्योंकि सारी गाजर वगैरह पड़ा हुआ है, ये वेज पुलाव है शायद ये। और ये है गुलाब जामुन, बढ़िया दिख रहा है, इसको ऐसे रखते हैं। और एक ये लिया दाल मखनी, ट्राई करते हैं, बढ़िया है। ये रहा मिक्स वेज,
मिक्स वेज बहुत शानदार लग रही, बहुत बढ़िया शानदार भैया। ये रहा पनीर बटर मसाला, बढ़िया है। अभी ये है राइस, अब राइस को मैं थोड़ा सा ऐसे ही, ये है राइस और राइस को मैं ऐसे ही थोड़ा सा, भाई बासमती राइस है दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया है दोस्तों, मैंने इसे टेस्ट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। और आगे का इस खाने का भाई जो रिव्यू है वो मंथन जी देंगे, मंथन जी शूटिंग कर रहे हैं, तो आइए मंथन जी आप अपने टेबल को संभालिए और जो है खाइए पीजिए और रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा ये प्रयागराज का मशहूर सिविल लाइन का एल चिको रेस्टोरेंट। दोस्तों अब मंथन जी जो है भाई इसे टेस्ट करके बताएंगे कि भाई एल चिको का खाना कैसा है। ये दाल मखनी, दोस्तों आप लोग लगातार वीडियो बने रहिएगा, इसका प्राइस वगैरह मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा बढ़िया है ये मंथन जी, अब नींबू वगैरह डाल करके बढ़िया से ये अपना मन पसंद इन्होंने निकाला नीचे से, ग्रीन चिली चमक रहा है, क्या बढ़िया। चलिए आप टेस्ट करने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला, कैसा है? बढ़िया। दोस्तों ये प्रयागराज का बहुत ही मशहूर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रयागराज में एलचिको को नहीं जानता वो समझ लीजिए प्रयागराज को नहीं जानता है, काफ़ी पुराना है। और भाई मैंने देखा ऑनलाइन कि इनकी जो है भाई एक वेज थाली निकाली है, केवल एक ही थाली निकाली है, यही थाली वेजी वेज मिक्स वेज मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। बहुत अच्छा है, अभी मंथन जी भी कह रहे हैं। जल्दी मिक्स वेज वगैरह मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन मिक्स वेज इनका अच्छा लगा। मंथन जी अब जो है बूंदी रायता टेस्ट करेंगे, कैसा लगा ये? बढ़िया, लच्छा पराठा दिया इसके साथ, बढ़िया है, ठीक है। मंथन जी बूंदी रायता और पनीर बटर मसाला और दाल मखनी को लच्छा पराठा के साथ एक साथ खा रहे हैं। बढ़िया, मज़ा आ रहा है, लो फुल आनंद। घर का टेस्ट आ रहा, मज़ा आ रहा ना खाने में, किसी को मिक्स वेज पसंद नहीं है।
रुके रहो रुके रहो रुके रहो, ज़्यादा देर काटी ना हो, बस करके करके रुकेगा, वहीं ले जा रोटी, बैठा वहीं पर। हाँ बंद कर, चलो अभी चलो। आओ फिर तेरा लगा, फिर वापस आ जाऊँगी ना, चलो काटे। अब ये अग्नि परीक्षा में हम लोग आ गए हैं ना, ये वीडियो बहुत ख़राब कर रहा है ये। चलो उसको हटा दो ना, बर्गर पे हटा दो, डाल दो उसी पर, मंथन जी जो है ये वेज पुलाव जो है इसको जो है दाल मखनी मिला है इसमें, और अब पनीर बटर मसाला, कैसा लग रहा चावल? एक नंबर। ठीक, अब इसका गुलाब जामुन ट्राई करेंगे अभी। हाँ पहले खाओ गुलाब जामुन, ये देखने में बढ़िया लग रहा है। गुलाब जामुन कैसा है? बढ़िया है। गुलाब जामुन है क्या? गुलाब जामुन बंथन जी का फेवरेट है भाई। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये हमें ऑनलाइन मंगाने पे कितने का पड़ा। दोस्तों एलचिको की इस थाली का नाम है थाली वेजी वेज, ये हमें पड़ी है 450 रुपये की। 450 रुपये की ये थाली है, ऑनलाइन ऑर्डर किया तो हमारे पास कोई कूपन वगैरह था नहीं, केवल डिलीवरी छूट वाला कूपन था, तब हमें ये पड़ा है 474 रुपये, 474 रुपीज़ का ये पड़ा है हमें GST टैक्स वगैरह लेकर के। ऐसे ये 450 रुपये की थाली है। यदि आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपके पास यदि जो है छूट का कूपन होगा, डिलीवरी छूट का कूपन होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये थाली और सस्ती हो सकती है। अब चूंकि मेरे पास केवल डिलीवरी वाला ही कूपन बचा हुआ था छूट वाला, तो उसका इस्तेमाल मैंने किया तो इसमें जो है मुझे केवल डिलीवरी चार्ज की ही छूट मिली, तब जा कर के ये मुझे जो है 474 का पड़ा हुआ है। और इसकी भाई थाली की कीमत है 450 रुपये। ठीक है दोस्तों, मिक्स वेज अपन भी डाल लिए, दाल मखनी रहता, स्वादिष्ट है भाई। हाँ स्वादिष्ट है भाई।